दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। भूत प्रेतों और जिन्नातों के बारे में जानने और उसे समझने की उत्सुकता आज भी कायम है। हम आपको आज ऐसी ही एक रहस्यमय इमारत के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण करीब 1000 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन आज भी अधूरा है। दिल्ली से महज 84 किलोमीटर दूर बुलंदशहर का एक छोटा सा कस्बा है शिकारपुर, जहाँ स्थित है बारह खंबा। यह वही ऐतिहासिक इमारत बारह खंबा है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस इमारत का निर्माण जिन्नातों ने शुरू तो किया लेकिन कभी पूरा नहीं कर पाए। बारह खंबा में 16 पिलर हैं, लेकिन खन 12 हैं। खन उर्दू का शब्द है, इसका हिंदी में अर्थ है दरवाजा। 12 खंबों में 12 दरवाजे हैं और इसकी खासियत यह है कि आप इसे जिस भी तरफ से देखें 12 दरवाजे आपको दिखाई देंगे। शिकारपुर के लोगों की ऐसी मान्यता है कि आज से 1000 साल पहले एक रात जिन्नातों ने यहां आकर निर्माण शुरू किया था। इस निर्माण को जिन्नात जब तक पूरा करते तब तक कहीं दूर एक चक्की की आवाज सुनाई दी। उन्हें लोगों के जागने का आभास हुआ तो जिन्नात उस निर्माण को बीच में छोड़कर वहां से चले गए। तब से यह निर्माण आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। लोगों ने यह भी बताया कि जिस महिला ने चक्की चलाई थी, जिन्नातों ने उस महिला को यहां लाकर जिंदा दफन कर दिया था। कहा जाता है कि जिस महिला को जिन्नातों ने यहां लाकर दफन किया था, उसकी कब्र से जिन्नातों के मंदिर तक रास्ता जाता है। ऐसी लोगों की मान्यता है कि यह कब्र एक रात अचानक से अपने स्थान से हट गई। जब लोगों ने जाकर देखा तो यहाँ सांप दिखा और जमीन के नीचे एक गुप्त रास्ता जा रहा था। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाकर इसकी सच्चाई जानने की कोशिश की तो वह भी लापता हो गए और कब्र का रास्ता एक दिन अचानक से बंद हो गया। बारह खंभों की खासियत यह है कि यह एक के ऊपर एक इस प्रकार से रखे हुए हैं कि यह गिर नहीं सकते। भूकंप आंधी तूफान में भी यह खंभे नहीं हिलते। साथ ही कई बार लोगों ने इन खंभों पर छत बनाने की कोशिश भी करी, लेकिन कभी भी छत नहीं बन पाई। जब भी छत का निर्माण हुआ, छत अपने आप गिर गई। कई बार तो बनने के साथ ही गिर गई और कभी बनाने वाले भी गायब हो गए। कुछ के ऊपर हवा या जिन्नातों का कहर भी टूटा। कहा जाता है कि जिन्नातों से माफी मांगने के बाद ही कारीगरों की हालत सही हो पाई। आज भी बारह खंभों का रहस्य एक रहस्य ही बना हुआ है। लोग वहां जाते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश आज भी करते हैं, लेकिन कभी समझ नहीं पाए। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा शेयर जरूर करें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।